नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी की सेवा में हाजिर। कल से यानी कि 10 तारीख से अलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ और आपके एपीएस सीए की परीक्षा जो है वो प्रारंभ हो रही है। सर्वप्रथम आपके आरओ की परीक्षा 10, 11 एवं 12 तीनों दिन दो पालियों में होनी है। 3-3 घंटे का पेपर आप सभी को पता है, लेकिन पेपर करने से पहले हमें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मूल मंत्र क्या होना चाहिए, कहाँ पे हमें उन बातों का उन बिंदुओं पे विशेष ध्यान रखना चाहिए जो अन्य बच्चों से गलती होती है या बोल सकते हैं अधिकांश अभ्यर्थियों से बार बार हर एग्जाम में गलती होती है, हमें वापस संभालना है। क्योंकि अभी आप इतने लगभग पिछले 2-3 महीने से जितनी मेहनत करते आए हो वो उसका सही रूप देने के लिए अंतिम आपका वही 3 घंटा होगा। उसमें अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो कल का दिन आपका होगा, आने वाले जो एग्जाम का समय है वो आपका होगा और सफलता भी आपकी होगी। कहीं भी यहाँ पे कोई गलती होती है तो वो सफलता हाथ से छिन सी जाती है, लगता है कि छोटी सी गलती से हमसे कितना क्या हमसे दूर हो गया हो। खैर, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ये कि टाइपिंग एग्जाम भी कल ही आपका ही होना है, मतलब सेम डे जिस दिन आपका रिटन पेपर होगा उसी दिन आपका कंप्यूटर एग्जाम भी होगा और उसमें आपको 15 मिनट का केवल गैप दिया जाएगा, 20 मिनट का टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है, अगर उसमें क्वालिफाई नहीं किए तो आपकी 2 महीने की मेहनत तो वो बर्बाद होगी होगी जो आपने पढ़ के आए हैं, साथ में 3 घंटा जो उससे जस्ट 15 मिनट पहले पेपर लिख के आए हो वो भी आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी बिंदुए हैं यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो अभ्यर्थी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दूसरी बात ये कि अभी कल से जब पेपर स्टार्ट हो रहा है तो उसका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहा है। पहले आरओ होगा 10, 11, 12, एआरओ जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं देखा जाए तो वो आपका 14, 15, 16, उसके बाद 18, 19, 20, 6 दिन में एआरओ का पेपर होगा, 21 तारीख को आपका सीए का पेपर होगा, 22 को एपीएस का पेपर होगा। तो ये लगातार आपके जो पेपर है ये चलते जाएंगे और सेम एजेंसी है तो आपको आइडिया लगता जाएगा, तो बाद वाले शिफ्ट वालों को फायदा हो जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी लगना है। इस कारण से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, कल से आपको एनालिसिस कराई जाएगी तो वो आपको, ताकि बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जब वीडियो अपलोड हो या पीडीएफ जाए तो वो आपको मिल जाए, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि आपको जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो मिल जाए। खैर, आगे बढ़ते अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का अभी कल जो पेपर है 10 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, 10, 11 और 12 दो शिफ्ट में आपके आरओ के स्टार्ट होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कल के पेपर में, तो एक बात समझिए कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका कूल टेम्परामेंट। एक तो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे अभी सेंटर किसी का कहीं एक शहर से दूसरे शहर भेज दिया गया है तो उस सेंटर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग जो होंगे वो यात्रा कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे दूसरे शिफ्ट में जिनका होगा कहीं आसपास के शहर में होगा। मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपका स्वास्थ्य है और आपका कूल टेम्परामेंट है। 180 मिनट ये आपके निर्णायक समय होगा कल के पेपर में। आपने जितना पढ़ा है, 2 महीने में टीम ने आपके साथ जितना मेहनत किया है, इतने कम समय में, इतने चैलेंजिंग समय में, इतना वैश्य सिलेबस जहां पे आपका अंग्रेजी भी 50 क्वेश्चन आना है, जीएस के लगभग 100 क्वेश्चन आने हैं करंट इंक्लूडिंग, आप हिंदी देख लो तो उसमें 15 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसिया मतलब कि अगर रीजनिंग देख लो तो उसमें भी 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपके करीबन 20 क्वेश्चन, तो देखा जाए तो ये आपके टोटल 200 क्वेश्चन है। बहुत बड़ा वैश्य सिलेबस था और बहुत तरीके से पूरी की पूरी टीम परीक्षा प्लस आपके इस सिलेबस को कवर कराई है। सारे अगर नोट्स देखा जाए तो वेल अपडेटेड नोट्स बहुत प्रॉपर किया, तो आपने जो भी किया है जो सोर्सेस आपके पास हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, अब उसकी चिंता नहीं करनी है। अंतिम समय में कुछ नया पढ़ने की कोई गलती मत करिए कि एग्जाम सेंटर तक आप जा रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं कि किताब सर पे लगाए हुए कि ये पढ़ ले पता लगे इससे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है यार, 1-2 क्वेश्चन आप लास्ट टाइम में नहीं पढ़ पाओगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। सबसे बड़ी बात जो है कूल टेम्परामेंट, जब आपका दिमाग शांत होता है, जब आपका दिमाग सही से काम कर रहा होता है तो जो 3 घंटे होंगे ना उसमें प्रोसेसिंग कितना अच्छा है, कितना जल्दी से आपने जो पढ़ के आया है वो इन्फॉर्मेशन फेच कर पाता है, ये जरूरी होता है। वो आदत एकदम छोड़ दो कि गेट में घुसते घुसते हम पन्ना पलट रहे हैं कि ये वाला पढ़ दें, उसमें आपका पूरा टेम्परामेंट बिगड़ जाता है, आप कूल नहीं हो पाते हो और वो उसका असर अगले 3 घंटे पे होता है। तो ये बात का सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आपको क्या करना है, टेम्परामेंट को अपने क्या कर रखना है, कूल रखना है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, दूसरी बात ये है, स्वास्थ्य तो आपका जरूरी होना ही चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप जब पेपर में बैठो, टेम्परामेंट आपके सामने पेपर आए, स्क्रीन चलेगा, क्वेश्चन आएगा,
जो सबसे ज्यादा जरूरी है कल के पेपर में वो रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। क्यों मैं स्पेशली इसमें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली बात इस पेपर में क्या है कि 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन बहुत ज्यादा संख्या होता है, भले 180 मिनट है लेकिन जब प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है तो हमारा अंतिम प्रश्न तक जाते जाते कंसंट्रेशन लेवल भंग होने लगता है, और जब कंसंट्रेशन लेवल भंग होने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी त्रुटियां करते हैं जो हमसे नहीं होनी चाहिए, अक्षम्य त्रुटियां कर जाते हैं। जैसे कई बार प्रश्न में लिखा होगा कि निम्न कथन में से कौन सा सत्य है, आप उसे क्या पढ़ लोगे, असत्य है, या पूछेगा कौन सा असत्य है, आप क्या पढ़ लोगे, कौन सा सत्य है, ये गलतियां होती हैं। कई बार आंकड़े दिए होंगे, जैसे डेट दिया होगा 10 जुलाई 1880, सही होगा 10 जून 1880, उसमें आप गलत कर दोगे, पैरेलेक्स एरर होता है। तो आप प्रश्नों को और उसके विकल्पों को सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न एक स्टेटमेंट तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, खासकर जीएस के संभाग में बोल रहा हूं, लेकिन उसका उसका जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नहीं सही से पढ़ते हैं, और खासकर साइंस वगैरह पार्ट में जो बच्चे साइंस फील्ड से होते हैं उनके साथ ये बहुत गलती होती है, जो जिनका इतिहास मजबूत है या पॉलिटी मजबूत है अपने सब्जेक्ट में ही सबसे ज्यादा गलती होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है इसका यही वाला सही होगा, वो सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं जबकि उसका उत्तर क्या होता है, कुछ और होता है। तो ये गलती मत करो, सिली मिस्टेक करोगे तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे, ये बात ध्यान देना, सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रॉपरली पढ़ना है। तीसरी बात, आपको बहुत ज्यादा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है। किस संदर्भ में? एक तो इस संदर्भ में कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो सबके लिए बराबर आ रहा है, कोई भी पेपर आपका कठिन या आसान नहीं होता। अगर कठिन होगा तो आप अकेले पेपर नहीं दे रहे हो, तमाम बच्चे जो पेपर भरे हैं, तमाम अभ्यर्थी जो इस एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे वो सभी लोग पेपर दे रहे हैं, और उन सबके लिए वही पेपर होगा, और उन सबके लिए अगर पेपर वही होगा तो वही प्रश्न होगा, वही प्रश्न होगा तो प्रश्नों का स्तर जो होगा कठिनता का स्तर समान रहेगा। कठिन होगा तो आपके लिए भी कठिन होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा तो आपके लिए भी आसान होगा, इसलिए चिंता मत करो। दूसरी बात, जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आपका परसेंटाइल मेथड लेंगे, और जब परसेंटाइल मेथड में इक्वी परसेंटाइल लगा देते हैं तो फिर उसका मतलब ही नहीं रह जाता है, यहां पे ये बहुत बहुत सबको बराबर ले आता है। तो पेपर कठिन है या आसान है डजंट मेक एनी डिफरेंस, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो आप बेस्ट रिजल्ट भी पाओगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। इसके लिए पैनिक मत हो कि मेरा स्कोर कितना जाए, मैक्सिमम बच्चे चिंता करते हैं सर कट ऑफ क्या होगा, सर सेफ स्कोर कितना होगा, व्हाट शुड बी द गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा। अभी कल के लिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फिर भी आपका क्या कितना अटेम्प्ट कर ही लो, लेकिन अभी मैं ये बोलूंगा कि आप मैक्सिमम अपना बेस्ट अटेम्प्ट देने के लिए, है ना, बेस्ट अटेम्प्ट के लिए क्या करो, पॉजिटिव रहो, और उसके लिए कोई ज्यादा विचारधारा अपनी कन्वर्ट मत करो। तीसरी बात क्या है कि आपको क्या ध्यान देना है, सत्य असत्य तो मैंने बोल ही दिया, ठीक है ना, सिली मिस्टेक आपको करना नहीं है। एक और बहुत बड़ी बात है, यहां पे जब आपको पता है कि यहाँ पे गुड स्कोर सेफ स्कोर इसकी चिंता नहीं करनी है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम पेपर कर रहे हैं तो कौन सा पोर्शन सबसे पहले करें, कौन सा पोर्शन सबसे और बाद में करें। तो एक बात आप समझिएगा कि जो आपका पेपर है वो 200 क्वेश्चन आने जा रहा है, 200 क्वेश्चन में 180 मिनट होंगे, और इसमें जो मैं एक डिवीजन बोलूं तो जो जीएस का क्वेश्चन होगा वो अप्रॉक्स में 100 क्वेश्चन होगा। आप पिछला वर्ष देखोगे तो किसी में 105 क्वेश्चन जीएस था, किसी में 110 क्वेश्चन जीएस था, किसी में 95 क्वेश्चन जीएस था, मैं ऑन एवरेज 100 क्वेश्चन जीएस मान ले रहा हूं। अभी उसके बाद जो दूसरा वेटेज होगा वो इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का आपका 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, हर बार 50 ही पूछता आ रहा है। उसके बाद जो आपका वेटेज होगा वो लगभग हिंदी होगा, हिंदी का आपका 15 क्वेश्चन होगा, ऐसे ही आपका रीजनिंग का, है ना, रीजनिंग प्लस मैथ्स एप्टीट्यूड जिसे बोल लो, इसके भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे ही आपका जो कंप्यूटर होगा, है ना, कंप्यूटर, इसके आपके करीबन 20 क्वेश्चन होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन ये भी होंगे। तो 15 15 30 20 50 ऐसा होगा, हो सकता है कि यहां पे कुछ कम ज्यादा करके मिसलिनियस दे दे, इसी का टॉलरेंस ले लेगा, और कुछ नहीं होगा। जीएस में आपका करंट भी इंक्लूड है, मैं आपको बता दूं जीएस में ही आपका साइंस भी इंक्लूड है, जीएस में आपके जो कन्वेंशनल है, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, यूपी हुआ, सब इसी में, और स्टैटिक और इसी में मिसलिनियस सब ऐड है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपका 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें करीबन 15 से 18 क्वेश्चन आपका क्या होगा, करंट होगा। तो ये आप समझते हुए चलेगा, इतना आपको पहले भी पता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
एक आपने अगर नोटिफिकेशन से इसे पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन में एक जगह दिया हुआ है टाई ब्रेकिंग मेथड। टाई ब्रेकिंग मेथड में यह बताया हुआ है कि अगर दो बच्चों के स्कोर बराबर होते हैं तो जिसका जनरल इंटेलिजेंसिया जो है या रीजनिंग जिसका है, रीजनिंग में जिसका स्कोर ज्यादा अच्छा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद जिसका इंग्लिश में होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद जिसका हिंदी में होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका कंप्यूटर में होगा उसकी प्रायोरिटी। तो पहले रीजनिंग का, फिर कंप्यूटर का, फिर इंग्लिश का, फिर हिंदी का, उसके अभी भी बराबर है तो पॉलिटिक पे प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर एज का दिया जाएगा। तो इन जो भाग है, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और जीएस में जो पॉलिटी है, इसमें अपना स्कोर अच्छा करने का प्रयास करना, यहाँ पे समय निकाल के गलती मत करना। यहाँ पे आपका वेटेज जब आप दो बच्चे एक पे आ जाएंगे और जब ज्यादा संख्या में पेपर देने जाते हैं तो यह बात भी समझते हुए चलना कि एक ही स्कोर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। दूसरी बात, जब परसेंटाइल मेथड लगेगा तो यह भी समझते हुए चलना कि एक ही स्कोर पे बहुत ही ज्यादा बच्चे बढ़ जाते हैं। इस कारण से यह पोर्शन पे आपको कल थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। रीजनिंग वाले पोर्शन को जो बच्चे जीएस बैकग्राउंड के हैं उनको मैं बोल रहा हूं थोड़ा समय अपना निकाल लीजिएगा, रीजनिंग वाले क्वेश्चन के आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात क्या है कि जब आपके पास 200 क्वेश्चन में 180 मिनट तो ऑन एवरेज आपको लगभग 50 सेकंड सभी को मिल रहे हैं और जीएस है तो मोर देन सफिशियंट समय है, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 घंटा बहुत ज्यादा समय होता है, टाइम मैनेजमेंट ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। स्टिल मैं बोल रहा हूं कि किसी क्वेश्चन से आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है कि अभी कल पढ़ के आए हो ये मुझसे लग क्यों नहीं रहा, ये होगा क्यों नहीं, इसका ये होगा, इसका ये होगा, बार बार उसे पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे एक बार में क्वेश्चन नहीं लगता है तो उसे छोड़ दो, दोबारा करो। पेपर करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, जैसे आपके पास 200 क्वेश्चन है समझिएगा, तो 200 क्वेश्चन में कोई भी पेपर होता है ना, ये आपका एनटीए बना रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ये तो और भी बैलेंस्ड पेपर बनाता है, तो करीबन 45% जो क्वेश्चन होगा वो आपका इजी होगा। आरओ की बात कर रहा हूं, 45% इजी होगा। ऐसे ही आपका 30-35% जो पेपर होगा ये आपका क्या होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है। और आपका लगभग 25% जो पेपर होगा ये टफ होगा। ध्यान दीजिएगा कि सेफ स्कोर की बात करते हो, यहाँ पे देखो कोई भी जो टॉपर होता है ना, टॉपर अभी आप पिछले बार का ही देख लो तो 212 नंबर गया था आपका कट ऑफ, उससे पहले 205 नंबर कट ऑफ गया था, टोटल 250 में से बता रहा हूं, 200 रिटन और 50 टाइपिंग का। टाइपिंग क्वालिफाइंग नहीं है, टाइपिंग के मार्क्स है 50 है, लेकिन एवरेज बच्चा जो नॉर्मल एक इन जनरल जो बच्चा पाएगा वो कितना पाएगा, वो 45 नंबर पाएगा टाइपिंग में, समझिएगा, वरना या तो वो फेल ही रहेगा, जो पाने वाले बच्चे सिलेक्शन वाले वो 45 पाएंगे, तो 5 ही का गैप करेगा। इसका मतलब कि आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें आप अगर सेफ स्कोर की बात करो तो 35-40 क्वेश्चन तक का आप सेफ स्कोर लेस लेके चल सकते हो, मतलब जो टॉपर होगा वो भी मैक्सिमम कर पाएगा, तो 80% जो टॉपर होगा वो 80% कर पाएगा। अभी आप समझिएगा कि 45% यहाँ पे, 35% यहाँ पे, केवल 2% मिला के 80% हो गया कि नहीं हो गया, मतलब आपको टफ वाले क्वेश्चन की चिंता नहीं करनी है। आप अगर इजी और मॉडरेट वाले प्रश्न को भी एक्यूरेसी मेंटेन कर लिए तो आप 80% समझ जाओगे। और सपोज करो यहाँ पे एक्यूरेसी 10% गिर भी जाती है, मतलब आपका 200 क्वेश्चन का 80% कितना हुआ, 160 क्वेश्चन, उसमें 16 क्वेश्चन और भी गड़बड़ हो जाता है, तो बाकी यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन है उसमें 16 आप तुक्का से भी सही कर सकते हो, है ना, तुक्का इन द सेंस कि भाई जब निगेटिव नहीं है तो आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है टफ वाले को, आप ब्लाइंड गेस लगाओ, आप एक ऑप्शन चूज कर लो, आप फिल्टर करो, आप उसे अल्टरनेट मेथड लगाओ, जो भी लगा सकते हो लगाओ, आपकी किस्मत साथ हो, आप किसी देवी देवता को वहां पे याद करके कर लो, लेकिन आपका अगर इधर से करता है तो आपको बूस्ट ही करेगा, वो आपको टॉप पर पहुंचा देगा। तो इससे अनुमान लगा सकते हो पेपर थोड़ा भी टफ हुआ तो 65% से 70% भी स्कोर टोटल का, 65 से 70% मतलब कितना हो गया, 200 क्वेश्चन में 135 से 140 क्वेश्चन, 135 से 140 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो कोई आपको बाहर नहीं कर पाएगा, ये मैं बता रहा हूं। थोड़ा बहुत ज्यादा आसान आ गया पेपर तो ये 145 से 150 क्वेश्चन में कोई बाहर नहीं कर पाएगा, तो कितना भी आसान आ जाए आपका 145 से 150 में सिलेक्शन हो जाना है। टाइपिंग आप देख लीजिएगा, 15 मिनट बाद ही होना है, उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपको मैम ने सही बता दिया है कि लास्ट में कौन कौन सी गलतियां होंगी, सॉफ्टवेयर आपका कैसा रहेगा, कैसे आपका आएगा बोर्ड, वहां पे जो टेक्स्ट होंगे वो हाईलाइटेड नहीं होंगे, गलतियां आपको वहां पे नहीं दिखेंगी, आप जब सबमिट कर दोगे तो आपको ये नहीं बताएगा कि कितना आपने टाइप किया, काउंट वाउंट कुछ नहीं बताएगा, ये सब विशेष ध्यान रखना। ये बच्चे वहां पे जाएंगे, कोई जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया होगा या कहीं जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो किसी सॉफ्टवेयर पे, इंडिया टाइपिंग वगैरह हो गया, तो वहां पे आपका वर्ड हाईलाइटेड होता रहता है कि जितना आपने टाइप कर लिया वो हरा हरा होता चला जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा वर्ड सही टाइप किया है, कौन सा वर्ड गलत टाइप किया, क्यों, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, एक गलती पे 0.1 है। जो बच्चे ये बोल रहे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
ध्यान दे लो, रिटन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइपिंग में निगेटिव मार्किंग है। एक गलती पे 0.1 नंबर गलत होगा, 500 के 500 वर्ड गलत टाइप कर दिए, 50 नंबर आपके गलत हो जाएंगे, 0 नंबर पाओगे, ये बात समझते चलना। तो टाइपिंग में क्वालिफाई होना है, 25 से ज्यादा स्पीड लाना है, 25 से ज्यादा गलती नहीं करनी है, 25 से ज्यादा मार्क्स लाना है, वरना क्या हो जाएगा, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और फिर आपके रिटन का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अंततः ये कहना चाहूंगा कि आपका जो पेपर करने का तरीका ये होना चाहिए, आप पेपर करने का तरीका क्या कर लो, सबसे पहले एक राउंड में भाई 180 मिनट है, 180 मिनट में आप पहले 60 मिनट में क्या कर लो, इजी वाले क्वेश्चन को कर लो, जो भी आपको आसान लगता चला जाए, उसके बाद आप अगले 60 मिनट में मॉडरेट वाले को कर लो, अभी भी आपके पास 60 मिनट बचा है तो उसमें टफ और जो इधर वाले जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको कर लो, है ना, जो रिमेनिंग है। प्लस अगर आप तुक्का मारने का शौक लगा है तो तुक्का मार लो, मैं इतना बोलूंगा कि आप क्वेश्चन कोई छोड़ के मत आओ, जो 200 के 200 क्वेश्चन पूरा ट्रेवल कर लिया ना, 180 मिनट में 200 क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, उसका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आप कोशिश करो 200 के 200 क्वेश्चन पूरा पढ़ के आओ, 200 के 200 क्वेश्चन करके आओ, निगेटिव नहीं है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में भी एक्यूरेसी का रोल नहीं है, एक्यूरेसी का रोल केवल तब आता है जब आयोग की तरफ से प्रश्न गलत हो, आयोग की तरफ से प्रश्न गलत होते हैं तो सभी को बराबर नंबर नहीं मिलते हैं, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है उसको नंबर ज्यादा मिलते हैं, ये बात समझिएगा। तो एक्यूरेसी का रोल बाकी कहीं पर फर्क नहीं पड़ेगा, पता लगे आयोग के 200 के 200 क्वेश्चन सही है तो एक्यूरेसी मतलब जीरो, एक्यूरेसी मतलब कुछ नहीं। तो आप जितना तुक्का मार सकते हो तुक्का मारो, 200 में 200 लगा के आओ, किस्मत आपके साथ रही, बाकी आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, ईश्वर आपके साथ रही, साधे आपके साथ रहेंगी, तो जरूर होगा सिलेक्शन। मैं अंततः यह बोलूंगा कि टीम परीक्षा प्लस की जो मेहनत थी, आपकी जो मेहनत थी, हम सबकी जो एक लग के 2 महीना 2.5 महीने से लगे थे कि किसी तरह सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है, सारे टेस्ट को अच्छे से देना है, टेस्ट भी आप इतने विधिवत किए हो, आपके स्कोर बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ईश्वर का नाम लीजिए, आप कूल रहिए, पॉजिटिव रहिए। पूरी टीम की तरफ से मैं ये हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कल का दिन आपका हो। बोलते हैं इंग्लिश में कहावत जो मैं हर बार बोलता हूं, रिटर्न विद द फ्लाइंग कलर्स, आप हमेशा एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस आए, सफलता के साथ वापस आए, जब आपका रिटर्न भी हो जाए और आपका टाइपिंग भी हो जाए और आपको लगने लगे कि इस बार मुझे आरओ बनने से, एआरओ बनने से, एपीएस बनने से, सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता, तब समझ लो कि हमारी जो मेहनत होगी वो भी कारगर होगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे विदा चाहूंगा आप सबको, अंततः फिर से विशेष शुभकामनाएं कल से शुरुआत होने वाले आरओ एआरओ एपीएस और सीए के पेपर के लिए। कल का दिन आपका हो, आने वाला दिन आपका हो, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।